मोहब्बत रवादारी और एहतराम पर मबनी फिल्म आई विल मीट यू की पाकिस्तान में रिलीज पर पाबंदी लगने के बाद इसमें अमरीकी पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा करने वाले हॉलीवुड अदाकार फरहान ताहिर ने सेंसर बोर्ड से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई गलत फैसला है क्योंकि फिल्म में कोई नामुनासिब बात नहीं है। आई विल मीट यू को पाकिस्तान में गुज़श्ता माह 11 मार्च को रिलीज किया जाना था मगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर ने फिल्म में मुसलमानों को गलत अंदाज में दिखाए जाने की वजह से इस पर पाबंदी आयद कर दी। उस वक्त फिल्म की प्रोड्यूसर इरम परवीन बिलाल ने शोबिज वेबसाइट वैरायटी से बात करते हुए अपनी फिल्म की पाकिस्तान में नुमाइश की पाबंदी पर अफसोस का इजहार किया था। फिल्म पर पाकिस्तान में पाबंदी की उस वक्त फरहान ताहिर ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उनकी फिल्म हमारे बुनियादी इकदार को बदनाम नहीं करती बल्कि हमारे मसाइल पर बहस की हौसला अफजाई करती है। फरहान ताहिर ने लिखा कि फिल्म का पैगाम मोहब्बत अफहाम और तफहीम रवादारी और एहतराम को तलाश करना है। फिल्म में इन अकदार पर बहस को दिखाया गया है जो हमारे खालिक ने हमारे लिए तय किए हैं। हॉलीवुड अदाकार ने तस्लीम किया कि फिल्म का बाज़ मवाद तख्लीकियत की वजह से हदूद से गुजर जाता है मगर इसे बुनियाद बनाने के बजाय इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। हॉलीवुड अदाकार ने फिल्म पर पाबंदी को मायूसकुन और अफसोसनाक करार दिया और लिखा कि पाकिस्तान में सिर्फ 250 सिनेमा हैं जिसका मतलब यह है कि फिल्म को पैसे कमाने के लिए वहाँ पेश नहीं किया जा रहा था बल्कि लोगों को अपने मसाइल के हवाले से मालूमात के लिए इसे वहाँ रिलीज किया जा रहा था। फरहान ताहिर के मुताबिक उनका मकसद साथी अदाकारों हदायतकारों और लिखारियों को पाकिस्तानियों के साथ यूमिया बुनियादों पर बैरून मुल्क में पेश आने वाले मसले पर बनी फिल्म को दिखाकर उन्हें एहसास दिलाना था कि ऐसे मवाद भी तैयार किए जा सकते हैं। फरहान ताहिर की फिल्म आई विल मीट यू में उनके अलावा सीनियर अदाकार कवि खान नकीदा तिवानी और शान पार्सन्स समेत दीगर अदाकार शामिल थे। फिल्म में पाकिस्तानी और भारतीय नयाद अदाकारों के अलावा अमरीकी अदाकारों को भी कास्ट किया गया था और इसकी कहानी अमरीका में मुकीम एक पाकिस्तानी नयाद खानदान के गिर्द घूमती है। फिल्म में फरहान ताहिर ने पाकिस्तानी नयाद अमरीकी पुलिस ऑफिसर का किरदार अदा किया है जिनकी जवान साला बेटी पैदाइश और परवरिश अमरीका में होने की वजह से देसी रवायात से दूर होती है। फिल्म की कहानी उस वक्त अहम बन जाती है जब कवि खान जिन्होंने फिल्म में फरहान ताहिर के वालिद का किरदार अदा किया है पाकिस्तान से अमरीका पहुंचते हैं और फिर खानदान में मुस्लिम और मशरकी रवायात पर बहस शुरू हो जाती है। YouTube पर Google News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Google News TV टाइप करें। Google News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।